यूज फॉर वेट लॉस। मोरिंगा को ड्रमस्टिक भी कहा जाता है, सहजन भी कहा जाता है और इसके जूस के बहुत सारे फायदे हैं, वेट लॉस उनमें से एक है। तो आज हम इसका जूस बनाएंगे। मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन और इसकी टी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो चलिए आज जूस बनाते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है आधा कप मोरिंगा लीव्स। मेरे घर में ही मोरिंगा का पेड़ है, बहुत ही आसान है इसे लगाना और मैं फ्रेश लीव्स लेकर आती हूँ। लेकिन अगर आपके पास लीव्स नहीं हैं तो एक टीस्पून पाउडर इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। सम जिंजर यानी कि अदरक, आधा टीस्पून नींबू का रस, एक कप पानी, एक टीस्पून हनी जो ऑप्शनल है, प्योर हनी आप इस्तेमाल करें, आधा टीस्पून सिनेमन और कुछ करी लीव्स। तो मोरिंगा जो होता है बहुत ही हेल्दी होता है। इसके न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें तो इट इज़ वेरी हाई इन कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी। तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, आपकी बोन की हेल्थ के लिए, अगर अनीमिया है उसके लिए, एचपी लेवल को बढ़ाने के लिए, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा, फॉस्फोरस होता है, जिंक होता है, दोनों ही इम्यूनिटी बूस्टर मिनरल्स हैं। प्रोटीन भी होता है इसके अंदर, आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। और अगर बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा, आपको अगर एनीमिया है, आपकी बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, किडनी के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, आपकी बॉडी से डिटॉक्स को हटाने में, फैट बर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करने में, मसल क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में, मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं मोरिंगा के। इसे इंडिया का सुपर फूड कहा जाता है, ये एक सुपर ग्रीन है जिसे अगर आप डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो बनाना बहुत ही आसान है। इन सारी चीज़ों को आपको पहले थोड़े पानी के साथ एक अच्छे ब्लेंडर में ऐड करना है और हाई स्पीड पे ब्लेंड करना है। उसके बाद जो बचा हुआ पानी है वो ऐड करके आप इसे ब्लेंड कर दीजिए। करी लीव्स जो है उनके बेनिफिट्स के बारे में मैंने हाल ही में शेयर किया था। अभी रिसेंटली रिसर्च हुई है 2010 में कि करी लीव्स के अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो डायरेक्टली वेट लॉस से, फैट लॉस से रिलेटेड हैं। मैंने इसीलिए थोड़े से ये भी ऐड किए हैं। बनने के बाद अगर जरूरत है तो आप इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं। हनी जो है ऑप्शनल है, शहद अगर आपको टेस्ट जो है, चूर्ण में इसका टेस्ट सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी पंजेंट होता है, थोड़ी बिटर की तरफ होता है, ग्रासी टेस्ट होता है, उसे अडाप्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर आपको शुरुआत में अच्छा ना लगे इसका टेस्ट तो आप हनी ऐड कर सकते हैं। इसे लेना कब है? आप इसे एम्प्टी स्टमक लेंगे मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा रहेगा और उसके 30-40 मिनट के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। लेकिन अगर आप लाइफ में पहली बार मोरिंगा का जूस ट्राई कर रहे हैं तो आप टू बी ऑन द सेफर साइड इसे ब्रेकफास्ट के साथ ड्रिंक करेंगे। हर लोगों का स्टमक, बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है नए फूड से जब हम अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसे अगर आप किसी चीज़ के साथ, किसी मील के साथ मिक्स करके लेंगे तो आपको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी इसे ईजिली अडाप्ट करेगी। न्यूट्रिशन अगर इसका देखा जाए तो हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद में और बहुत सारी हर्बल मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में हाईली रिकमेंड किया जाता है सहजन को डाइट के अंदर इंक्लूड करने के लिए। साउथ इंडिया में ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है, इसकी सब्ज़ी बनती है, चटनी बनती है।
सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, डू गिव इट अ ट्राई, अपनी डे टू डे डाइट में इसे इंक्लूड करें। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, बरसात में बहुत ज़्यादा उगता है, तो बरसात में आप इसे ले सकते हैं और सर्दियों में तो आप इसे लेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इसकी पिक्चर्स और अपना फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना ना भूलें। इसकी टेक्स्ट रेसिपी आपको मेरी वेबसाइट पर जल्द ही मिल जाएगी, लिंक मैं अपडेट कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी स्टे फिट, स्टिल ट्राई टू स्टे एट होम, ईट हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून, बाय बाय।